अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? तो जी ये शर्ट थी अबीहा की, मैं इसे शर्ट को फ्रॉक में कन्वर्ट करने लगी थी, सोचा आपसे भी आइडिया शेयर करती हूँ। और ये ऊपर से वैसी की वैसी रहेगी, इसके मुझे तकरीबन 11 11 इंच में इसकी ऊपर से बॉडी की लेंथ रखूँगी, ये तकरीबन मुझे इतनी। और ये पीस बच भी जाएगा, और इस बचे हुए पीस से मैं अंशा की भी शर्ट बनाऊंगी। तो इतना पीस मैं कट करूंगी, इसे फिटिंग थोड़ी सी फिटिंग कर मैं लाऊंगी, मैं फिटिंग करूंगी इसकी। और नीचे वाले पीस जो है ना, ये मैंने नेट का पीस लाया था, ये मैं ऑलरेडी इसका कट कर चुकी हूँ, ये सिर्फ सिंगल ही कट किया, अभी डबल नेट नहीं लगा रही, बाद में देखूंगी। और इसके नीचे ये अलग पीस कट किया है, ये चूना डाल के ना नीचे इतने पीस को अलग कर लेती हूँ, ये इधर आके इस पे चूना डालूँगी। और इस वाले हिस्से पे जहाँ जॉइंट आएगा ना, वहाँ ये लेस है, ये घर पर ही पड़ी हुई थी, ये इधर लगा दूँगी। और इनर के लिए ये भी घर पे, ये नेट तो मैं बाज़ार से लाई थी इसी शर्ट के लिए, और ये जो कपड़ा ये घर पर पड़ा हुआ था, ये मैंने फ्रॉक अपनी स्टिच करवाई थी उसके नीचे ये कपड़ा लगा था, ये सिल्क का नहीं है, ये कोई और ही रेशमी है, लेकिन अच्छा कपड़ा है। तो ये लगाऊंगी नीचे, उसके ऊपर ये नेट और फ्रॉक तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रॉक इसकी कैसी बनी। और नीचे वाले पीस से ये मैं छोटी बेटी की शर्ट बनाऊंगी, एक शर्ट से दो ड्रेस तैयार होंगे। तो जी ये है फ्रॉक की फाइनल लुक, ये देखें शर्ट से फ्रॉक कैसे तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने इतना कपड़ा ले कि इधर चूना डाल लिया, और नीचे ये 6 इंच का अलग से कपड़ा लिया है, इधर चूना डाल के ऊपर ये लेस लगा ली, घर पर ही पड़ी हुई थी। ऊपर बॉडी वैसी की वैसी है जो वैसी बनी हुई थी, मैंने इधर से सिर्फ 11 इंच कट की, और उसी में मार्जिन के साथ इतनी कट की है, उधर ही सिलाई लगा ली है, तो ये बिल्कुल नाप के मुताबिक हो गई है। अच्छा, जो नीचे वाला पीस था उससे मैंने अलग शर्ट तैयार की है, वरना अगर आपके पास, अगर आप इस तरह बनाए और फालतू और दूसरी शर्ट ना बना लें, तो एक बड़ी सी बो इधर बना के लगा लें तो बड़ी प्यारी लगे, लेकिन मैंने उसी कपड़े से एक शर्ट बना ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो शर्ट जो बचे हुए कपड़े से मैंने छोटी बेटी के लिए बना लिया है, ये जो साइड से कपड़ा निकला था ये इधर लगा लिया थोड़ा चौड़ा करके, और ये फिटिंग के मुताबिक बिल्कुल सही तैयार हो गई है। और ये पैंट जीन्स की लाई हुई थी, ये इसके साथ पहनाऊंगी, ये भी बड़ी प्यारी बनी हुई है। और इसके साथ अभी सर्दियां आ रही हैं, तो इसके साथ मैं जैकेट लेके आऊंगी, ऊपर जैकेट पहना के बटन ओपन ही रख के ये बड़ी प्यारी लगेगी। अगर आप इसके साथ प्लाजो भी बनाएं, कोई ढीला सा नरम सा कपड़ा लेके खुला सा प्लाजो बनाएं, तो बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन मैं सर्दी की वजह से ना पैंट ही पहनाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ भी मैं जैकेट खूबसूरत सी लेके आऊँगी, जीन्स की, वो मैं ऊपर पहनाऊँगी। और इसके अलावा एक फ्रॉक और मैं दिखाती हूँ, ये फ्रॉक ये मैंने पिछले साल स्टिच की थी, सोचा आपसे ये भी आइडिया शेयर करूं। ये जो मेरी नंद है उसका शरारा पड़ा हुआ था खुला सा, उसे पसंद नहीं आया, मतलब वो तंग था घुटनों से, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो मैंने उसे से ना बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था, मैंने उसे कट करके ये जो है घुटनों पे ये लेस लगी हुई थी, यहाँ से वो खुला था, दोनों साइड वाले कपड़ा लेके, तो मैंने इससे ना चूना डाल के ये खुली सी फ्रॉक बना ली स्लीवलेस, और यहाँ दो बटन मैच करके रेड लगा ली है ताकि पहनाने में आसानी हो। ये देखिए ये पहनी बड़ी प्यारी लग रही थी, और ये भी कपड़ा वही है जो शरारे के नीचे लगा हुआ था, सिर्फ मैंने नीचे कैन कैन लगाई थी, ये नीचे कैन कैन लगा के उसके नीचे जो इनर के, ताकि ये चुभे ना, तो उसके नीचे थोड़ा सा बस कपड़ा लगाया ऊपर से ताकि वो चुभे ना। ये देखें, इसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, होती तो मैं ज़रूर दिखाती, क्योंकि तब मेरा चैनल नहीं था, ये मैंने पिछले साल स्टिच की थी, ये शरारे से बनाई हुई थी। आप भी अगर इस तरह का कोई कपड़ा हो तो वेस्ट ना किया करें, उसे आइडिया मेरी वीडियो से आइडियाज़ लेके आप भी
एक नई लुक बना के पहना सकते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। जैसे ये फ्रॉक है, इसके शर्ट मेरी बेटी को नहीं पसंद थी, थोड़ी खुली थी, ये मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने पहना के वो तस्वीर नहीं ली कि कैसी लग रही थी। वो खुली भी लग रही थी और लंबी भी। वो मेरी बेटी को नहीं पसंद थी, मैंने उसे एक न्यू लुक दे दी है, तो वो बड़ी खुश है, उसे ये पसंद आई है। तो आप इस तरह के आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं और खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।